राजेंद्र देव जी महाराज इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने एक ऐसे अभियान को छेड़ा हुआ है जो लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए काम कर रहा है, बच्चों को आगे बढ़ाने और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। एक यात्रा, संकल्प यात्रा निकाली हुई है जो पूरे देश में भ्रमण करेगी, यात्राएं निकालेगी और 700 दिनों की ये यात्रा रहेगी। और क्या कुछ इसमें खास रहेगा जानेंगे महाराज जी से। सब पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज पहला नवरात्र है, सभी देशवासियों को हमारे संस्था की तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। ये इच्छा पूर्ति जो संकल्प यात्रा आपने निकाली हुई है, इसके कैसे ये पहुंच रही है, घरों तक पहुंच रही है, एक एक गांव पहुंच रही है, और इसको कैसे आप चला रहे हैं, क्या कुछ इसका उद्देश्य रहेगा, बच्चों के महिलाओं के बारे में आप जो सोच रहे हैं? देखिए, ये 700 दिन की संकल्प यात्रा है जो पूरे भारत के हर गांव में जाएगी, और हर गांव में जाकर के ये जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, होता क्या है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक से एक बड़े वैज्ञानिक छुपे हुए हैं, भारत का जो भविष्य तय करेंगे वो सब छुपे हुए हैं, लेकिन उनको परिस्थितियां ऐसी, जो घरेलू परिस्थितियां वो ऐसी हो जाती हैं कि उनको पैसे की सहायता नहीं मिल पाती। तो हमारी इस यात्रा का संकल्प यह है कि हम पहले उन प्रतिभाओं का एक छोटा टेस्ट लें, प्रतियोगिता कराएं हर गांव में, और उनमें जो अव्वल आएंगे उनको फिर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और भारत लेवल, भारत के सामने उन प्रतिभाओं को लाने का हमारा संकल्प है, यही यात्रा है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, कौन से बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया उम्र का आपने रखा होगा, कुछ महिलाओं का भी जिक्र किया, उसमें क्या कुछ प्रावधान रख रहे हैं? देखिए, ग्रामीण स्तर पे जो भी 8 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे हैं उनमें तकरीबन प्रतिभाएं मिल जाती हैं, क्योंकि उससे छोटा अगर बच्चा होता है तो वो समझ नहीं पाता, तो उन वो क्राइटेरिया एज का भी रखा है। दूसरा हमने रखा है सीबीएसई बोर्ड को हमने उससे बाहर रखा है, जो राज्य स्तर के बोर्ड हैं, क्योंकि राज्य स्तर के बोर्डों में वो प्रतिभाएं नज़र आ जाएंगी। दूसरा, जो महिलाओं की आपने बात पूछी, तो महिलाओं में अनपढ़ औरत से भी लेके, क्योंकि उसमें प्रश्न इस तरीके के हमने रखे गए हैं कि जो अनपढ़ औरत भी, जो लिख भी नहीं पाती और उसके अंदर भी टैलेंट होता है, तो वो भी उनका प्रश्न दे सकती हैं, उत्तर दे सकती हैं, और उनमें भी जो टैलेंट है उसको निकाल के हम आपके सामने लेके आए। अच्छा, जो ये संकल्प यात्रा आपने शुरुआत की है, ये कहाँ से हुई, कितने समय से हुई और कहाँ इसकी समाप्ति होगी, और कैसे इसकी जो है पूरा तैयारी कैसे कर रहे हैं, एक एक जिले में जा रहे हैं, एक एक गांव गांव जा रहे हैं? ये यात्रा 28 तारीख को, 28 मार्च को हमने झुंझुनू जिले के मारू मोई गाँव है वहाँ से शुरू करी, राजस्थान में, और इसका समापन जो होगा वो यहाँ होगा, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पे, 700 दिन के बाद 1 मार्च 2024 को। और ये पूरे भारत में, इसका आपने पूछा कि किस तरीके से काम करेगी, इसमें हमने 2 लोगों को नियुक्त किया है हर जिले में, जो हमारी टीम रहेगी वो 2 लोग 700 दिन तक एक एक गांव में जाएंगे। तो जितने भी हमारे भारत के जिले हैं सब में अलग अलग टीम बनाई गई है, और जब भी मुझे समय मिलेगा जहाँ पर भी पूरे भारत में, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन, आधा दिन, एक घंटा हर जिले को दूँ, ताकि मैं खुद जा कर के भी इसका निरीक्षण कर सकूँ। और एक 11 सदस्यीय टीम हमने इसके ऊपर बनाई हुई है जो जा कर के पूरी यात्रा का आकलन करती रहेगी और रिपोर्ट हमारे पास भेजती रहेगी। अच्छा, ये कैसे विचार आया आपने, इच्छा पूर्ति जिस तरह से नाम रखा है इसका, एक संकल्प यात्रा के तौर पर आप चला रहे हैं, क्या उद्देश्य इसका रहा होगा, कैसे एक विचार आपके मन में आया और फिर आप चल निकले 700 दिन की यात्रा करने के लिए अलग अलग गांव, अलग अलग जिलों? देखिए, इच्छा पूर्ति का हम वैज्ञानिक, जो हमारे आश्रम का नाम है इच्छा पूर्ति ज्ञान विज्ञान समाधान आश्रम, तो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा जो आज जरूरत है, जो अभी की जरूरत है, अब क्या है कि हम अध्यात्म की भी बात करते हैं, तो अध्यात्म में पूजा पाठ बताए जाते हैं और फिर बताया जाता है जी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, लेकिन हमने उससे ऊपर उठ करके कि मुझे अगर भूख अभी लगी है तो मैं सालों इंतज़ार नहीं कर सकता जी। तो मेरे पास जो यहाँ पे हमारे भक्तजन आते हैं समस्याओं को लेकर के, उनको उनसे बात करते करते
मुझे ऐसा लगा कि ज्यादातर जो महिलाएं आती हैं हमारे पास, पुरुष आते हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बड़े संकट में होते हैं, और उनको होता है जी, वो बच्चे भी मेरे पास कभी कभी लेके आते हैं, तो उन बच्चों को भी जब मैंने देखा कि इनको अगर सहायता मिल जाए तो ये अब्दुल कलाम बन सकते हैं, ये विवेकानंद बन सकते हैं, तो इनको सहायता, और हमारे जो एनजीओ हैं, वैसे तो लाखों एनजीओ भारत के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो उन तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर मैंने ये सोचा मैं सब काम धाम को छोड़ करके पहले मैं उन प्रतिभाओं को खोजूंगा और फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा ताकि जो भी बच्चा पढ़ना चाहे, जो भी महिला काम करना चाहे, उसको इस संस्था के माध्यम से और समाज के सहयोग से उनको उन तक सहायता पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, देखिए एक संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है, संकल्प जो एक बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को लेकर है, महिलाओं के उत्थान को लेकर है, और 700 दिनों तक यानी कि 2 साल तक इसी तरह से गांव-गांव जाकर उन बच्चों के भविष्य को निकालने का काम जो है, आगे बढ़ाने का काम राजेंद्र देव जी महाराज जो है कर रहे हैं, और सभी से ये चाहते हैं कि भविष्य सुधारें और आगे आए, और इसी कड़ी को जो है आगे बढ़ाने के लिए 700 दिनों की ये यात्रा जो है शुरू हो चुकी है, और इसको जो है यहाँ पर इस आश्रम में जो है समाप्त किया जाएगा, और ऐसे बच्चों को निखारा जाएगा, आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और उनके भविष्य को जो है एक अच्छा साकार करने का काम किया जाएगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।